नमस्कार साथियों, मैं प्रसेनजीत आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, शिक्षण योजना के पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि शिक्षण योजना क्या है, इसका प्रारूप क्या है, अच्छी शिक्षण योजना बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छी शिक्षण योजना कैसे बनाएं। उदाहरण के रूप में एक शिक्षण योजना बनाना भी सीखा था। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस समय स्क्रीन पर प्रदर्शित आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आज की शिक्षण योजना आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसी क्रम में आज हम लोग एक अन्य प्रकरण पर शिक्षण योजना बनाना सीखने वाले हैं। साथियों, मैं इस तरह के उपयोगी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आगामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। शिक्षण योजना कक्षा 2 विषय हिंदी। सबसे ऊपर आप लिखेंगे शिक्षण योजना, विषय का नाम, प्रस्तुत उदाहरण में भाषा। उसके नीचे एक सारणी बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय अंकित करेंगे। उसके नीचे पहला बिंदु है लर्निंग आउटकम। इसमें आप लिखेंगे कि आप बच्चे को क्या सिखाने जा रहे हैं। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है, बच्चे स्थानीय व मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं एवं अपने अनुभव को साझा कर लेते हैं। दूसरा बिंदु है प्रकरण। इसमें पाठ का नाम लिखा जाएगा। प्रस्तुत उदाहरण में पाठ का नाम पास पड़ोस है। तीसरा बिंदु है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें वह सब सामग्री लिखी जाएगी जिसकी आवश्यकता आपको शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होगी। प्रस्तुत उदाहरण में सीखने सिखाने की सामग्री के रूप में स्थानीय और मानक भाषा के शब्द कार्ड का प्रयोग किया गया है। चौथा बिंदु है सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत चार कालम बनेंगे, पहला क्रमांक, दूसरा चरण, तीसरा अनुमानित समय और चौथा आकलन के तरीके। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। बिंदु क, शिक्षण की शुरुआत में जब हम किसी पाठ को सिखाना प्रारंभ करते हैं तो बच्चों से बातचीत के आधार पर उनके पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाते हैं एवं प्रश्नों या अन्य किसी गतिविधि के माध्यम से उनके अनुभवों को जानते हैं और इस प्रकार बच्चों को प्रकरण से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया इस शीर्षक के अंतर्गत लिखी जाती है। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है, नीचे दी गई सूची में से किसी एक के बारे में बच्चों से स्थानीय भाषा में बात करेंगे। बीच बीच में बच्चों को भी मौका देंगे कि जो देखा या जानते हैं बताएं, जैसे खेती का काम, कपड़े की सिलाई का काम, कपड़े धुलाई का काम, जूता सिलने का काम, फेरी वाले, चूड़ी वाले का काम, दुकानदार का काम और चाय वाले का काम। बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के पूरे अवसर देंगे। इसके साथ साथ समय के कालम में संबंधित चरण में लगने वाले अनुमानित समय का अंकन करेंगे और आकलन के तरीके कॉलम में आकलन की विधि का नाम लिखेंगे। इस चरण में समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर लिखा गया है। बिंदु ख, शिक्षण के दौरान। इस बिंदु के अंतर्गत शिक्षण के दौरान विषय के प्रस्तुतीकरण एवं कराई जाने वाली गतिविधियों आदि को सम्मिलित किया जाएगा, जिनके आधार पर बच्चों में प्रकरण की समझ बनाई जानी है। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है, शिक्षक पुस्तक में बने चित्र को दिखाते हुए बड़े समूह में नीचे लिखे बिंदुओं पर बच्चों से बात करेंगे, जैसे पाठ के चित्र में क्या क्या दिख रहा है, ऐसा क्या क्या दिख रहा है जो उनके गाँव में है या नहीं है, कौन क्या कर रहा है, अखबार में क्या छपा होगा, तोता क्या बोल रहा होगा, ई रिक्शा पर कौन कहाँ जा रहा होगा, बस कहाँ जा रही होगी, नल के पास फूल किसने लगाए होंगे, दूध दुहते समय माँ क्या सोच रही होगी, नल के पास लड़की दादाजी से क्या कह रही होगी। बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के पूरे अवसर देंगे। छोटे समूहों में बच्चे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 12 और 13 पर बने चित्रों को देखेंगे और आपस में अपने विचार, अनुभव, अनुमान, कल्पना के आधार पर अपनी भाषा या बोली में बातचीत करेंगे।
शिक्षक बारी बारी से इन समूहों में मदद करेंगे, बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के पूरे अवसर देंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक चरण का अनुमानित समय और आकलन का तरीका भी प्रस्तुत उदाहरण के अनुसार लिखते रहेंगे। शिक्षक बच्चों के उत्तर या बातचीत में आए स्थानीय भाषा या बोली के शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनके मानक रूप भी बच्चों की मदद से लिखेंगे और पुनरावृत्ति कराएंगे। बच्चों को प्रश्न पूछने का भी मौका देंगे। शिक्षक बोर्ड पर लेखन कार्य करेंगे, जैसे स्थानीय शब्द पत्तई और भाटा। इसके लिए जो मानक शब्द प्रयोग किए जाते हैं पत्ता एवं बैंगन, इनको भी शिक्षक बोर्ड पर लिखेंगे। बिंदु का शिक्षण के बाद में, इस बिंदु के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया के बाद में पुनरावृत्ति कराए जाने के उद्देश्य से बच्चों के बीच कराई गई चर्चा या अभ्यास कार्य को सम्मिलित किया जा सकता है। प्रस्तुत उदाहरण में प्रत्येक समूह के एक एक बच्चे को अपनी छुट्टी के दिनों या किसी रिश्तेदार जैसे मामा जी के घर में बिताए गए समय के अनुभव सुनाने को कहेंगे। या समूह कार्य, दो समूहों में शब्द अंत्याक्षरी कराएंगे, एक समूह मानक शब्द बोलेगा और दूसरा समूह स्थानीय शब्द बोलेगा। या स्थानीय व मानक भाषा के शब्द कार्डों का मिलान करने को कहेंगे। या शिक्षक बोर्ड पर कुछ चित्र बनाकर जैसे अमरूद, बकरी, पत्ता, चूहा, तोता आदि बच्चों से पूछेंगे, बच्चे उत्तर देंगे व शिक्षक उसी का मानक शब्द साथ में लिखेंगे। शिक्षक बच्चों के बोले गए स्थानीय शब्दों को डायरी में दर्ज करेंगे, जिससे अगली योजना में सहायता मिल सके। पांचवा बिंदु है प्रदत्त कार्य या गृह कार्य या असाइनमेंट। शिक्षण प्रक्रिया के बाद बच्चों को जो भी गृह कार्य दिया जाएगा उसका अंकन इस बिंदु के अंतर्गत किया जाएगा। प्रस्तुत उदाहरण में लिखा है कार्य पुस्तिका की गतिविधि, किसके पास जाओगे को गृह कार्य के रूप में बच्चों से घर से करके लाने को कहेंगे। छठवां बिंदु है शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षण के पश्चात लर्निंग आउटकम आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए एवं शिक्षण अनुभव को समेकित करते हुए शिक्षक आगामी योजना बनाएंगे और उसका अंकन इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे। साथियों, इस प्रकार आज हमने कक्षा 2 विषय हिंदी की शिक्षण योजना बनाना सीखा। प्रस्तुत शिक्षण योजना, शिक्षण योजना के विषय में आपकी समझ बनाने के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षक की शिक्षण विधि एवं शिक्षण कौशल भिन्न होता है, अतः एक ही प्रकरण पर विभिन्न प्रकार से शिक्षण योजनाएं बनाई जा सकती हैं। साथियों, आज का वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। इस तरह के अन्य उपयोगी वीडियोस का लिंक प्राप्त करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगामी वीडियो तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद।